बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सप्लोर साइकी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म इन द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस विच इज़ गिवन बाय फ्राइड। द डिफेंस मैकेनिज्म इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के लिए या अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर हम सब भी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म इटसेल्फ है क्या, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप्स को स्टडी करेंगे, जिसमें रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, उसके बाद डिनाइल, प्रोजेक्शन एंड सब्लिमेशन, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर हम ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ईगो जो कि ईड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस क्रिएट करती है और रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ईगो का बुनियादी मकसद इंडिविजुअल्स को एंजाइटी या गिल्ट जैसे जो फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करना होता है। तो फ्राइड कहता है कि ये जो ईगो और सुपर ईगो हैं, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट जो आ रहा होता है, जब प्रॉब्लम इनके दरमियान क्रिएट हो रही होती है, उसकी वजह से एंजाइटी जैसे इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं, या ये चीज ये कन्फ्लिक्ट ही एंजाइटी को काज कर रहे होते हैं। एंड दिस डिस्कम्फर्ट लीड्स ईगो टू यूज़ डिफेंस मैकेनिज्म, और इसी की वजह से ईगो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और उस पर्सन को ऐसी एंजाइटी या डिप्रेसिव सिम्टम्स से प्रिवेंट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर लार्जली अनकॉन्शियस रिएक्शन दैट प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अनप्लेजेंट इमोशन सच एज एंजाइटी एंड गिल्ट। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो किसी भी पर्सन को अनप्लेजेंट इमोशन जो उस बंदे में आ रहे होते हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। यानी कि अगर एक बंदे में कोई ऐसी फीलिंग आ रही है या उसे जैसे कि उसे किसी चीज़ से एंजाइटी हो रही है, तो डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि उस पर्सन में अनकॉन्शियसली एक ऐसा रिएक्शन पैदा होगा जो अपना वो जो उसकी फीलिंग्स हैं या एंजाइटी है जो उसको ख़त्म करने के लिए जो वो परफॉर्म कर रहा होगा। यही रिएक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में, इनको डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे आगे आप लोग पिक्चर में भी देखेंगी कि कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखें ईगो एंड सुपर ईगो के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में या इंडिविजुअल्स में एंजाइटी कॉज हो रही है, और उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है ताकि उससे डील किया जा सके उस एंजाइटी से। तो डिफरेंट तरह की डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन इज़ व्हेन अ पर्सन अवॉइड्स हिज और हर पेनफुल थॉट्स टू कम इन हिज कॉन्शियस। यानी कि जब एक पर्सन अपने जो पेनफुल थॉट्स होती हैं उनको अपने कॉन्शियस में लाने से अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके लिए एनजाइटी का कॉज होती है। जस्ट लाइक वो पर्सन या वो गर्ल्स जिनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे कि रेप केसेस हैं, तो वो अब उसको जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे होते हैं तो वो उस जब वो सारा उनसे पूछा जा रहा होता है तो वो अवॉइड कर रही होती हैं उस चीज़ को बताने से, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए बहुत पेनफुल होती है और उनको किसी ऐसी सिचुएशन से भी ला सकती है कि वो एंजाइटी के पीक लेवल पे चले जाएं या उनके लिए वो डेंजरस भी हो सकती है। द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है जब एक इंडिविजुअल को जब एक स्ट्रेसर उसके सामने आता है तो उसके साथ जब डील कर रहा होता है तो वो चाइल्डिश मैनर में या इमेच्योर मैनर के साथ उसको डील कर रहा होता है। जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसमें एक पर्सन दो पर्सन बैठे हैं, उनमें से एक वो है जो अपनी सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे जो दूसरा बैठा है वो भी फिर उसके सामने ना खुद को साबित करने के लिए कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि मेरा भी जो वो टाइम था वो बहुत अच्छा था, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद लोग बिहेवियर करने लग जाते हैं, या बच्चों के सामने वो ऐसे बोलते रहना कि मैं अपने टाइम में मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, जस्ट लाइक कि वो शो करना चाहते हैं कि वो उन्होंने भी बहुत सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव की है।
इट मीन्स लाइक एक्टिंग लाइक अ बेबी। डिस्प्लेसमेंट होता है अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देना, यानी कि अगर एक पर्सन को एक एम्प्लॉय है उसको उसके बॉस ने उसकी इंसल्ट कर दी तो वो घर जाके अपना गुस्सा अपने बच्चों पे और बीवी पे ही निकालेगा, और ये होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन होता है कि जब एक पर्सन अपने किसी नेगेटिव बिहेवियर को जब वो शो कर रहा होता है, परफॉर्म करता है, तो उसको जब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता तो वो उसकी एक लॉजिक देता है, कोई रीज़न देता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट लाइक कि एक पर्सन है, उसने एक कार चोरी की है और वो कहता है कि जब उससे पूछा जाता है कि आप चोर हैं, आपने चोरी की है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैंने चोरी की है, लेकिन मुझे चोरी करने के लिए मेरे दोस्त ने प्रेशराइज किया है। यानी कि वो अपनी गलती को मानता भी है लेकिन वो इस तरह से मान रहा होता है कि वो दूसरे पे डाल रहा होता है कि ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझे ये क्या करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा होता है। यानी कि वो उस चीज़ को जो सोशली एक्सेप्टेबल रीज़न हो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है अपने मिसबिहेवियर को। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है कि एक पर्सन अपनी जो उसके अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स होते हैं या उसके इम्पल्सिस होते हैं उनको वो दूसरों के साथ डाल देता है। जैसे कि एक बच्चे का टेस्ट हुआ, अब उस टेस्ट में जब उसके फादर ने पूछा कि आपका टेस्ट अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो वो कहता है कि मैंने तो अच्छा किया था लेकिन टीचर ने या तो मेरी मार्किंग अच्छी नहीं की, या फिर वो ये कह देगा कि टीचर ने पेपर ही ऐसा बनाया था कि सारी क्लास ही फेल हो गई है। द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज़ डिनाइल। डिनाइल मीन्स एक्सेप्ट ना कर पाना। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाइल जिसमें आप ऐसा रिएक्शन कर रहे होते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके सामने आ गई है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर देखें कि एक पर्सन है, उसको कॉल की जाती है और उसको ये न्यूज़ दी जाती है कि आपके घर में ये इंसिडेंट हो गया है, या उसको ये कहा जाता है कि आपके इस फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो ये न्यूज़ उसके लिए इस कदर शॉकिंग होती है कि वो उसके लिए इसको एक्सेप्ट करना जो है मुमकिन ही नहीं होता है। तो वो कॉन्टिन्यूसली यही कह रहा होता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। हालाँकि वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ को डिनाई करते रहना, ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम डिनाइल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डिफेंस मैकेनिज्म आता है उसके हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन होता है जब एक इंडिविजुअल अपने अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को एक्सेप्टेबल इम्पल्सिस में या मैनर्स में उसको ट्रांसफ़र करके शो करता है, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसी एग्जांपल ऐसे देख लें कि एक पर्सन अपनी एंजाइटी पेंटिंग करके निकाल रहा है, यानी कि वो किसी पे चीख नहीं रहा, कुछ तोड़ नहीं रहा, लेकिन अपनी एंजाइटी या अपना जो गुस्सा है वो कलर्स पे पेंटिंग पे निकाल रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो हम सब भी कहीं ना कहीं पे यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।